हेडलाइन के प्रायोजक है बीएमएच के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर जो है स्वाद में भरपूर। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार न्यूज में, मैं हूं तनुप्रिया। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां एक ओर केंद्र सरकार और राज्य सरकार आने वाले चुनावी दौर को अपने काम के द्वारा जनता को लुभाने के प्रयास में जुटी हुई है, वहीं सरकार द्वारा पालित कई योजनाएं फाइलों की धूल फांकते नजर आ रही है। ऐसा ही एक मामला बक्सर जिले का है, जहां नियमों को ताक पर रखकर मनरेगा द्वारा 42 योजनाओं के लगभग 87 लाख रुपए की बंदर बांट चल रही है और योजनाओं को केवल कागजों पर ही सिमटा दिया गया है। मामला ग्राम बड़काराजपुर, प्रखंड सिमरी, जिला बक्सर में मनरेगा योजना के तहत 42 योजनाओं में लूट खसोट किया गया है मुखिया द्वारा, मुखिया और पीआरएस द्वारा। सर, इसमें मेन रोड से ददन यादव के घर तक एक योजना है, उसमें भी पैसा निकासी कर लिया गया है, और एक है मेन रोड से बबुआ सिंह के घर तक, उसमें भी पैसा निकासी कर लिया गया है। एक है योजना मंगल यादव के घर से शिव मंगल यादव के घर तक, ऐसे 42 योजनाएं हैं सर, इसका सारा पैसा निकासी कर लिया गया है मुखिया द्वारा सारा पैसा निकासी कर लिया। मुखिया का नाम मीरा देवी, पति फुलचंद यादव, बड़काराजपुर, और सारा पैसा निकासी कर लिया गया, अभी तक कोई भी काम धरातल पर नहीं हुआ है। केवल कागजों पर दिखा करके सारा पैसा निकासी कर लिया गया है। अभी तक हम लोग डीएम के पास भी दिए हैं दरखास्त इसका, और अनशन के लिए भी दिए थे, ब्लॉक में भी दिए हैं, वीडियो के पास। क्या कार्रवाई हुआ है? कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ है सर, अभी इस पर कोई भी जांच नहीं हुआ है। कोई जांच नहीं हुआ है। क्या मांग करते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि इसके जिलाधिकारी महोदय अपने स्तर से इसको जाँच करें और दोषियों पर कानूनी कार्रवाई करें। छपरा जलालपुर प्रखंड के कुमना पंचायत में स्थित राम पारस प्राथमिकी विद्यालय में पोषाहार के नाम पर हो रही लूट विभागीय मिलीभगत से छात्रों का छीना जा रहा है आहार। बताया जा रहा है कि विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति पिछले कई वर्षों से 10 से 15 है, जबकि विद्यालय की उपस्थिति पंजी में छात्रों की संख्या 65 से 75 बताई जा रही है। मैडम बताएंगी कि मध्याह्न भोजन क्यों नहीं बना है? बनेगा क्या चीज का, मतलब कब से ये कमी है? आज तो अभी 12 दिन पर स्कूल खुला है, अब बच्चा भी कुछ लेट से आया है। अच्छा, बच्चों की कुल संख्या 10 है। गुजरात में हुए बिहारियों पे हमले का मामला अभी शांत होने का नाम नहीं ले रहा। इसी कड़ी में पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर लगे कांग्रेसी नेता अल्पेश ठाकुर के पोस्टर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कालिख पोतकर अपना विरोध जताया। आपको बताते चले कि कांग्रेस के कार्यक्रम में 21 अक्टूबर को अल्पेश ठाकुर पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल पहुंचे थे, इसी को लेकर पूरे पटना में उनके स्वागत को लेकर पोस्टर लगाया गया था, और इन्हीं लगे पोस्टर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपनी भड़ास निकालते हुए कालिख पोती है। ये हमारे मन का क्रोध है, हमारे मन में जो अवसाद पैदा किया अल्पेश ठाकुर ने, हम तमाम भारतीयों का ये अधिकार बनता है संविधान के तहत कि हम अपने राज्य के किसी भी कोने में जा करके अपनी रोजी रोटी की व्यवस्था कर सकें, राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका अदा कर सकें, और हमारे बिहार यूपी के सभी लोगों के लोग अन्य अन्य राज्यों में जाते हैं, अन्य राज्यों के लोग हमारे बिहार में आते हैं, हम सबका स्वागत करते हैं, सब बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में देश को चलाना चाहते हैं, संविधान के तहत चलाना चाहते हैं, लेकिन अल्पेश ठाकुर जैसे कांग्रेसी अराजक तत्व हमारे इस भावना को ठेस पहुँचा रहे हैं। हम तमाम बिहार वासियों को वहां से मारपीट करके भगाने का काम उन्होंने किया है, जबकि उनको शायद स्मरण नहीं है कि उसी गुजरात के पुत्र को जब हमने चंपारण की भूमि से महात्मा गांधी जी यहां से आंदोलन शुरू किए थे, तो एक व्यक्ति को संत बनाने का काम भी बिहार के लोगों ने ही किया है, और हमारे मनोभाव को ठेस पहुँचा करके वो हमारी सारी देश की मानसिकता को खंडित किए हैं।
वैशाली के विद्युपुर थाना क्षेत्र के खड़िका में पैसे के विवाद में आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें ट्रैक्टर मालिक ने चिमनी मालिक को 3 गोलियां मार दी। लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर बंधक बना लिया। जब पुलिस मौके पर आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची तो लोगों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया, जिसमें SHO सहित 4 पुलिसकर्मी को गंभीर चोट आई है। घायल पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए मुख्यालय हाजीपुर भेजा गया, जहां घायल आरोपी के साथ सभी घायल पुलिसकर्मियों का इलाज चल रहा है। यहां पर ये खरका में जो है ना, चिमनी भट्टा मालिक को गोली मारा है इसी संदर्भ में। तो क्या पुलिसकर्मी वगैरह भी घायल है क्या? हाँ, वो वहाँ पर जैसे कि जो गोली मारा था ना, उसको वहाँ पर पकड़ करके रखे हुए था, तो वहाँ से हम लोग वहाँ पर गया है, तो जब चेसी लेकर के आया है, बस पुलिस पर ही अति करना शुरू कर दिया है। कितने पुलिस वाले घायल हुए हैं? लमसम 3 ठो TC है और 1 हवलदार और चौकीदार और 2 ठो पदाधिकारी में है। अररिया जिले के फारबिसगंज में महाराजा अग्रसेन की 5142वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहर के विभिन्न चौक चौराहे से होते हुए मारवाड़ी धर्मशाला में जाकर सभा में परिवर्तित हो गई। इस अवसर पर अग्रवाल समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस मौके पर अग्रवाल समाज मंच की ओर से ऑक्सीजन डेड बॉडी फ्रीजर के साथ एम्बुलेंस सेवा समर्पित की गई, जिसका लोकार्पण अररिया सांसद सरफाज आलम, फारबिसगंज विधायक विद्यासागर केसरी ने फीता काटकर किया। दानापुर मंडल के मोकामा रेलवे स्टेशन पर रेल राज्य मंत्री मनोज कुमार सिन्हा का भव्य अभिनंदन किया गया। पटना से बढ़िया जाने के क्रम में रेल राज्य मंत्री मनोज कुमार सिन्हा का विशेष सैलून तकरीबन 15 मिनट के लिए मोकामा रोका गया। इस दौरान पूर्व सांसद सूरज भान सिंह, युवा लोजपा नेता कन्हैया सिंह, भाजपा नेता संजीव कुमार, युवा सामाजिक कार्यकर्ता कुमार नवनीत, हिमांशु समेत हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे। मोकामा के हथिदह जंक्शन के सामने एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। हथिदह पुलिस ने बताया कि सुबह 5:30 बजे मिली सूचना पर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, न ही उसके पास से ऐसी कोई चीज बरामद हुई है जिससे पहचान की जा सके। मैंने लगभग 5:30 बजे के करीब सूचना मिला कि एक आदमी घायल वहाँ पड़ा हुआ है। जब तक हम कहाँ स्टेशन के सामने मेन रोड पर पहचान हो पाई है ना, लाश की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन देखने में माने पागल टाइप के दिखे महसूस होता। दानापुर मंडल के पटना लखीसराय रेल खंड पर अवस्थित बढ़िया स्टेशन को खूबसूरत बनाने की पहल का आगाज किया गया। रेल राज्य मंत्री मनोज कुमार सिन्हा ने सोमवार को करोड़ों रुपए के इस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। मुंगेर सांसद वीना देवी की मांग पर रेल राज्य मंत्री मनोज कुमार सिन्हा ने प्लेटफॉर्म वितरीकरण का शिलान्यास किया। इस प्रोजेक्ट के तहत बढ़िया स्टेशन के प्लेटफॉर्म का विस्तार किया जाएगा और सुंदर रूप प्रदान की जाएगी। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा बिहार के एक दिवसीय दौरे पर है। पटना के बाद रेल राज्य मंत्री मोकामा पहुंचे, उसके बाद लखीसराय के लिए रवाना हो गए। मोकामा में भी कुछ देर के लिए रेल राज्य मंत्री रुके थे। मोकामा में रुकने के बाद बंद पड़ी भारत वैगन कंपनी चालू करवाने का रेल राज्य मंत्री ने आश्वासन दिया है। मनोज सिन्हा का स्वागत मोकामा स्टेशन पर पूर्व सांसद सूरज भान सिंह और भाजपा नेता डॉक्टर राम सागर सिंह ने किया। मोकामा से बड़बिगहा तक नई रेल लाइन की मांग पर जोर पकड़ने लगी है। रेल राज्य मंत्री मनोज कुमार सिन्हा के मोकामा आगमन पर यह मांग रखी गई है। वरीय भाजपा नेता डॉक्टर राम सागर सिंह ने सोमवार को मोकामा आगमन पर रेल राज्य मंत्री मनोज कुमार सिन्हा को मांग पत्र सौंपकर इस कवायद को परवान चढ़ा दी। भाजपा नेता के अनुसार इस नई रेल लाइन से झारखंड तक का रेल सफर काफी आसान और राहत प्रदान करने वाला साबित होगा। बेगूसराय में दहेज के खातिर पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर शव को खेत में फेंक दिया। घटना साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर बरारी गांव की है।
बताया जाता है कि कपिल देव यादव की 25 वर्षीय पुत्री विनीता कुमारी की शादी एक साल पूर्व हुसैन चक निवासी सूरज यादव के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही दहेज के रूप में 50,000 रुपए की मांग की जाती थी। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जाँच में जुट गई है। घटना दहेज के खातिर होले घटना, रूपा दे रहे कुछ बाकी रूपा रहे, वह कारण लड़का नहीं आवे रहे। एक साल होले शादी, रात में 8:30 बजे के लमसम में लड़का आया, ओकर बाद जी से खाना खेलकै, ओकर बाद ही रात में दोनों जी निकल गए। तो एक मार पीट पर कह रहे हमहूँ चलियो, कलक नहीं तो कथी जेबे तो लौट जाए घर के न थोड़ा दूर गल। ओकर बाद एगो मनिजरा के खेत में पता ही नहीं औरत का एक माय के कि कहाँ की होले हन। हमें जब भैंस पसंद से फरी चलिए तो देखे कल राय देखे लहास बिनतिया के वहाँ कल के राय दुल्हा आए दुल्हा वहाँ से पता से मार के वह दुपट्टा से फसरी लगल दोनों जीत। हमारी सभ्यता और संस्कृति ग्रामीण परिवेश के बदौलत जिंदा है। बाढ़ अनुमंडल का पंडारक प्रखंड कला के क्षेत्र में एक मिसाल है। पंडारक में करीब एक दर्जन से ज्यादा नाटक मंडली है, जो कि नुक्कड़ नाटक से लेकर बड़े बड़े नाटक का मंच देश के कई बड़े शहरों में भी जाकर अपना कला का लोहा मनवा चुके हैं। उसी क्रम में सोमवार को भिखारी ठाकुर द्वारा चर्चित नाटक विदेशिया का मंचन किया गया। नाटक का इतिहास यहाँ 100 वर्षों का है, 100 वर्ष से भी अधिक हो गए और समय के साथ इसको अनेक चुनौतियाँ मिली। किसी ज़माने में रेडियो इसको चुनौती बन के आया, इसके सामने टेलीविज़न आया, सिनेमा आया, लेकिन नाटक अपनी अमिट रफ्तार के साथ आज भी जारी है और रंगकर्म एक ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। तो पंडारक बाढ़ में पंडारक मतलब पुण्यारक कला मंदिर जो है अभी तक नाटक को जिंदा रखे हुए हैं। सिर्फ पुण्यार कला निकेतन एकमात्र संस्था नहीं है, यहाँ दर्जन भर संस्थाएं हैं और यहाँ की सबसे पुरानी संस्था हिंदी नाटक समाज है जो 1914 में ही स्थापित हुई थी। पुण्यार कला निकेतन की ये 41वीं प्रस्तुति है और इस तरह की तमाम संस्थाएं जो हैं रंगकर्म को जिंदा रखे हुए हैं और नाटक एक ऐसी विधा है जो जीवंत अभिनय का प्रतीक है और उसके प्रति एक आकर्षण जो है चाहे शहरी दर्शक का हो या ग्रामीण दर्शकों का वो यथावत है, ये कभी खत्म नहीं है। बिहार शिक्षा परियोजना का कार्यशाला 3 दिनों का बालिका उच्च विद्यालय में आयोजन किया गया। इस 3 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन अररिया सदर एसटीओ प्रशांत कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी अशोक मिश्रा एवं अन्य अधिकारियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षा परियोजना के द्वारा स्कूल में बच्चों के बीच स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाना है। जाके पूछा गया है तो उनके बहुत सारे कंप्लेंट्स हमने सुना, तो उसके बाद हम लोग एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे स्कूल को आकर्षित बनाने के लिए और एवं स्कूल के जो दीवार है उसी को हम लोग लर्निंग एड्स के तरह यूज करने के लिए बिल्डिंग एज लर्निंग एड और उसका रेगुलर यूज हो और उसका साफ सफाई हो, ये भी हमको देखने को मिलता है कि हम जांच करने के लिए जाते हैं तब उनको पहले पता चल जाता है उसको शौचालय को खोल के रख देते हैं। अब देखते हैं तो 2 चीज नजर में आता है, एक उसका यूज नहीं होता है और दूसरा यूज होता है तो उसका साफ सफाई नहीं किया जाता है। उस पर एक विस्तृत अभियान किया गया है डीएमसर के द्वारा भी, उस पर जागरूकता फैलाने के लिए बहुत बढ़िया पहल किया गया था, तो आपके तरफ से ये एक और अपेक्षित है कि आप जब भी जाएंगे तो बच्चों को भी कृपया सिखाएं कि हाथ धोने का क्या तरीका होता है। पुरस्कार योजना केंद्र सरकार की है और ये विगत चार पाँच चौदह पंद्रह से ये पुरस्कार का कार्यक्रम केंद्र सरकार की ओर से आयोजित हो रहा है। ये 18-19 के पुरस्कार के लिए ये कार्यशाला का आयोजन किया गया है। ये कार्यशाला में मुख्य उद्देश्य जल शौचालय साबुन से हाथ धुलाई और अन्य वगैरह कार्यक्रम इसमें है और इसी 3-4 पैरामीटर पर किया गया है कि कुछ प्रश्न हैं उस प्रश्न बिंदु पर
इन लोगों को प्रशिक्षण दिया जाना है और ये सभी प्रशिक्षित होकर के पुनः इन लोगों का काज होगा कि प्रत्येक विद्यालय में जाना, अपने 82 के अंतर्गत जितने भी विद्यालय हैं उन विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा, स्वच्छता के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाएगा, नॉन फंक्शनल जहाँ पर मान लीजिए कि शौचालय है उनको फंक्शनल करते हुए शौचालय का कि स्वच्छता, बच्चे का स्वास्थ्य संबंधित मान लीजिए कि स्वच्छता क्या उनके लिए जैसे हाथ धुलाई इत्यादि है, जल का सेवन है, इन सब बिंदुओं पर वहाँ चर्चा की जाएगी और इसी पर कुछ प्रश्न हैं जिन प्रश्नों के आधार पर पुरस्कार के लिए इनको चयनित किया जाना है। इनमें सभी का रजिस्ट्रेशन होगा, एनआईएस के माध्यम से रजिस्ट्रेशन होता है विद्यालयों का और जिन विद्यालयों का रजिस्ट्रेशन होता है उन्हें पुरस्कार में परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया जाता है और वो परीक्षा में यदि मान लीजिए कि 90-100 वो लाते हैं तो वो विद्यालय जो है पुरस्कार के बाद। आज के जो कार्यशाला है उसमें BRP CRC एवं अकाउंटेंट्स भाग ले रहे हैं। ये कार्यशाला 3 दिन के लिए चलेगा। इनको बेसिकली सिखाया जाएगा कि जो 5 पैरामीटर्स हैं उस पर सर्वेक्षण कैसे करना है और ये लोग विद्यालय में जो स्वच्छता का जो अभियान है उसके लिए भी जागरूकता फैलाएंगे। मनेर ब्लॉक में व्याप्त भ्रष्टाचार और मनेर से लेकर दानापुर तक जर्जर हुए NH-30 के विरोध में राजद ने आंदोलन शुरू कर दिया है। आंदोलन के पहले चरण में राजद के जिला अध्यक्ष देवमुनि सिंह यादव 1 दिन के लिए उपवास पर हैं। उनके साथ प्रखंड के सभी राजद कार्यकर्ताओं ने सरकार और जिला प्रशासन के विरोध में उपवास रखा है। मनेर थाना के पास उपवास पर बैठे राजद जिला अध्यक्ष का कहना है कि जहां एक तरफ मनेर से लेकर दानापुर तक NH-30 वर्षों से जर्जर हुआ पड़ा है, वहीं दूसरी तरफ मनेर ब्लॉक कार्यालय में लगभग सभी योजनाओं में खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। और मनेर से दानापुर की सड़क का स्थिति बहुत ही जर्जर है, कई वर्षों से बहुत खराब हालत में है और जब सरकार है एनडीए के नीतीश कुमार की सरकार है, आप देखी रहे कि सड़क कितनी खराब है। इसके लिए मैंने कहा, ये भी आपने देखा अखबारों में पढ़ा कि पीटा मनेर को सूखा घर से पूरा दम कर लिया। मैंने मांग किया कि पूरे राज्य को अकाल और सुखाल घोषित किया जाए। इंदिरावास में गड़बड़ी है, शौचालय में गड़बड़ी है, आंगनबाड़ी में गड़बड़ी है, इतना भ्रष्टाचार है, इसके भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं अनशन में बैठा हुआ हूँ। बेगूसराय में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दुर्गा पूजा समिति के द्वारा डांस प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जहां बछवारा थाना के SI प्रमोद राम डांस गर्ल्स के साथ ढूंके लगाते नजर आ रहे हैं। यह पूरा वाकया बछवारा थाना क्षेत्र के चिरंजीवीपुर गांव के वार्ड संख्या 7 की है, जहाँ नव युवक दुर्गा संघ के द्वारा 10वीं के दिन प्रोग्राम रखा गया था। इसमें आप देख सकते हैं कि लड़कियों के साथ किस तरह वर्दी में एक दरोगा लड़कियों के साथ ठुमके लगा रहा है। में 2 थाना के बछवारा और निमाचांदपुरा के कुछ पदाधिकारी उनका गैर मर्यादित आचरण का वीडियो वायरल हुआ, मेरे संज्ञान में अभी थोड़ी देर पहले आया था। उसकी जांच हमने करवाई इंस्पेक्टर से और दोनों जो पदाधिकारी हैं बछवारा के SI प्रमोद कुमार और निमाचांदपुरा के SI गोरेलाल सिंह, दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और उन लोगों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ कर दी। राजधानी में बाइकर गैंग का उत्पात कम होने का नाम नहीं ले रहा। कभी लोग से रंगदारी मांगने का मामला तो कभी किसी के जमीन कब्जा करने का मामला सामने आता है। पुलिस ने भी इन सब मामले को गंभीरता से लेते हुए बाइकर गैंग के कई सदस्यों को जेल भी भेज चुकी है। सदस्यों की कमी से बाइकर गैंग ने अब नया तरकीब अपनाया है। बाइकर गैंग ने सोशल साइट पर गैंग में शामिल होने का
खुला ऑफर दिया जा रहा है। वहीं पटना के पुलिस उप महानिरीक्षक ने बताया कि पुलिस ऐसे असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाने के लिए सोशल साइट पर नजर बनाए रखी है। जो पटना में जो बाइकर्स गैंग थे उनके काफ़ी सदस्य पकड़े गए और बड़े बड़े जो उनके लोग हैं वो सब जेलों के अंदर बंद हैं, तो काफ़ी उनके ऊपर लगाम लग चुकी है। और मुझे लगता है कि अगर कोई इस तरह का कोई अगर कोई जैसे सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं तो वैसे कोई बात तो नहीं है, तो हो सकता है कि कोई इस तरह का शरारत करने की कोशिश कर रहा हो और अगर वो एक दो कोई बचा होगा तो उसको भी हम पकड़ कर सलाखों के पीछे कर देंगे। आप के निर्देशों खास गार्जियन को क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरीके से ये उन्हें अपने ग्रीप में ले रहे हैं, उन्हें संभाल रहे हैं? देखिए, पेरेंट्स को अपने बच्चों के ऊपर कंट्रोल रखना होगा कि कब वो बाइकर्स बन जाएं या बाइकर गैंग के अंदर मिल जाएं। तो अगर क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम होती है तो पेरेंट्स को फिर बाद में कष्ट उठाना पड़ेगा, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किस संगत में, ये वो ध्यान रखें और उनका एक टाइम पीरियड फिक्स करें कि इतने घंटे वो अपने घर में रहें, इतने घंटे बैठ के पढ़ें, क्योंकि अगर पढ़ लिख के कुछ नहीं बनेंगे तो फिर अपराध की तरफ बढ़ना उनका इजी हो जाता है। कितने बाइकर्स गैंग हैं सर? देखिए, बाइकर्स गैंग तो वैसा नहीं कोई है, जो बीच में थोड़ा बहुत थे तो जो किसी टाइप की क्रिमिनल एक्टिविटी करते थे तो उन सबको पकड़ा गया और बीच में तो अभियान चला के कम से कम 30 से ज़्यादा बाइकर्स गैंग को पकड़ा गया है। तो अभी कोई एक दो वैसा है जो कि कोई एंटी सोशल एलिमेंट टाइप का है या मान लो किसी अपना रास्ता भटक गया है तो उसको भी हम रास्ते पर लाएंगे। पटना जंक्शन के रेल यात्रियों को सोमवार से बेहतर सुविधाएं मिलनी शुरू हो चुकी है। रेल राज्य मंत्री मनोज कुमार सिन्हा पटना रेलवे स्टेशन पर दो एलिवेटर का उद्घाटन किया। यह प्लेटफॉर्म संख्या 1 और 10 पर बने हैं। एक्सकलेटर पर मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए बिहार न्यूज़। नमस्कार।